जिला रामबन में चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव में हिस्से के रूप में और भारत की G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए DC रामबन मुसरत इस्लाम ने जॉइंट डायरेक्टर CBC मिनिस्ट्री ऑफ INB JNK एंड लद्दाख गुलाम अब्बास ने संयुक्त रूप से भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर 2 दिवसीय मल्टी मीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद DC द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया गया। वहीं अंत में ITI रामबन में आयोजित डिस्कवर इंडिया, G20 और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर प्री इवेंट डिबेट में विनर्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने रामबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे 2 दिन की एक मल्टी मीडिया एग्जीबिशन लगाई है ऑन आर फ्रीडम फाइटर्स। मैंने ये एग्जीबिशन देखी और मैंने इतनी रेयर कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स विद हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिव नहीं देखा है। मैं गुलाम अब्बास साहब का जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं CBC JNK UT एंड लद्दाख का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी टीम का जिन्होंने इतनी मेहनत से एक असेंडिंग ऑर्डर में हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिपिक्ट किया है थ्रू पिक्चर्स। जैसे कि आपको पता है पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो हैं वो इस एग्जीबिशन से मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो अभी वोट ऑफ थैंक्स था जिसमें ये बताया गया कि अगर हम इनकी पिक्स उठाएं स्मार्टफोन्स में और फिर घर जाके बैठ के आराम से देखें तो उन्हें पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट का पता चलेगा। और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ये हमारी जो जनरल स्टडीज़ होती हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मुख्तलिफ किस्म के एग्ज़ाम्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ जो हमारे में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं दोबारा रीइन्वोगेट हो जाएगी। तो मैं एक मरतबा फिर अब्बास साहब आपका, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इस मौके पर अपने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजेंद्र जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी जो साथ में हमारी टीम आई है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। राजेंद्र जी ने जिस थीम पर आज बोला इट क्लियरली डिपिक्ट्स कि हम कहाँ पहुँचे हैं, जो हमारा अरूज है कल्मिनेशन एक ऐसे पहुँचा है कि आज हम G20 जो कंट्रीज़ हैं उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है जो हमारे पास रहेगी हमको उसका एहसास है। इट्स अ फीलिंग ऑफ अनदर ग्रेट प्राइड फॉर अस। और कहीं ना कहीं अपने हमने अपनी हिस्ट्री को अपनी प्रेजेंट में जो हमने डेवलपमेंटल जो इनिशिएटिव्स लिए हैं और जिस मकाम पे हम पहुँचे हैं वो उसको पूरी तरह 360 डिग्रीज पर डिफाइन किया। ये जो अभी टाइम चल रहा है जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो प्लैटिनम जुबली है वो हमने पिछले साल 75 ईयर्स कंट्रीज इंडिपेंडेंस जो है वो पूरे किए थे और इसकी कंटिन्यूटी में ये फंक्शन जो आज का मल्टी मीडिया एग्जीबिशन की इस पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैं इस मौके पर अपने तमाम ऑफिसर्स से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक पोर्टल भी है अटाम नाम का जिस पे हम अपनी सारी जो फंक्शंस हैं उनकी जो हाई डेफिनेशन वीडियोस हैं पिक्स हैं विद टेक्स्ट बिटवीन 140 to 200 वर्ड्स वो अपलोड करते हैं और JK UP गुजरात के बाद पूरे कंट्री में नंबर। रामबन से दी अर्थ न्यूज के लिए परवेज शान की रिपोर्ट।